Hello class, today we are going to read chapter 25, clothes. As we all know very well that clothes are very essential for us. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust, germ. कितना essential है हमारे लिए clothes, आप सबको easily पता है, अच्छे से पता है, ठीक है? आज हम clothes के बारे में पढ़ेंगे कि where do we get clothes, okay? For thousands of years, humans have protected themselves from cold or cold weather by making clothes from fibers. हजारों साल से जो human है अपने आप को कैसे protect कर रहा है cold cold weather से by making clothes from fiber. कैसे protect कर रहा है heat और cold से by making clothes from fiber. There are two types of fibers, natural fibers. सच एज कॉटन सिल्क एंड वूल, ठीक है, नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो प्लांट्स बेस्ड हैं, विच आर दे आर कॉटन सिल्क एंड वूल विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. अब एनिमल सोर्सेज से हमें कौन से क्लोथ्स मिलते हैं, लाइक वूल, ठीक है, जो हमें शीप से मिलती है, एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. अब देखिए यहाँ पे कैसे अलग अलग तरह के जो फाइबर्स बता रखे हैं, उनमें क्या है, नेचुरल फाइबर, ठीक है, जो प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड हैं, जो हैं जिसमें वूल आता है, और आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर सच एज नायलन एंड रेयन, जो आर्टिफिशियल है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड नेचुरल फाइबर. Cotton is a white fleecy fiber that is obtained from the cotton plant. Cotton कहाँ से मिलता है हमको, cotton plant से, ठीक है, natural fiber है. It grows around the cotton seeds. The fruit of the cotton plant is harvested and the cotton fibers are separated from the seeds in the factory. अब ये देखिए कैसे obtain होता है. It grows around the cotton seed. ये कहाँ ग्रो करता है, अराउंड द कॉटन सीड. द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, द फ्रूट नॉट सीड, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज हार्वेस्टेड एंड द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स इन द फैक्ट्री. यानी जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का उसको हार्वेस्ट किया जाता है और जो कॉटन फाइबर जो उसके अराउंड होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री के अंदर सीड से कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है. यानी कॉटन प्लांट का फूड है, जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का उसको हार्वेस्ट किया जाता है और कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड इन द फैक्ट्री. ठीक है, फैक्ट्री के अंदर सीड से कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है. दिस इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड द कॉटन गिन. अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, एक मशीन, दिस इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड कॉटन गिन, जिसको कॉटन गिन बोला जाता है. दिस इज कॉटन गिन, ठीक है. इन दिस मशीन द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज हार्वेस्टेड and the cotton fibers are, in this machine the cotton fibers are separated from the seeds. This is cotton gin, ठीक है. Look at this picture. अब यहाँ पे देखिए, this is cotton balls. अब ये देखिए जो cotton का plant है उसका fruit है ये. कॉटन बॉल्स, ये देखिए इस तरह से कॉटन के प्लांट लगते हैं, ये कॉटन बॉल्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, लूज कॉटन गॉजिन. यहाँ पे देखिए जो कॉटन प्लांट से जो कॉटन हार्वेस्ट की गई है वो यहाँ इसके अंदर जा रही है. मैट ऑफ कॉटन फाइबर्स, फिर देखिए मैट में कन्वर्ट हो रहा है. फिर इसका कार्डिंग रोलर्स, अब ये देखिए रोलर्स बन रहे हैं. इसके बाद देखिए इसको लूज यान बन रहा है, फिर यान में कन्वर्ट किया जा रहा है, अब फिनिश्ड यान.
अब ये देखिए प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन, कॉटन प्लांट से कॉटन के जो फाइबर बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है। अगेन कॉटन प्लांट से उसके फ्रूट को जो पहले हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इसे यहाँ पे देखिए हम ये लूज कॉटन है, लूज कॉटन को इसके अंदर डाला जाता है, फिर ये देखिए मैट मैट निकल रहे हैं, कॉटन मैट्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, देन कार्डिंग रोलर्स, रोलर में कन्वर्ट हो रहा है, देन यहाँ से देखिए ये लूज यार्न में कन्वर्ट हो रहा है, देन फिर लूज यार्न के बाद ये फिनिश्ड यार्न इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर यहाँ से आपका जो कॉटन क्लोथ है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन, कॉटन प्लांट से कैसे कॉटन बनती है। सेकेंड इज वूल, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स बट वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज अ सॉफ्ट वॉर्म मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, यानी शीप की फ्लीस से सॉफ्ट वॉर्म मटीरियल ऑब्टेन्ड होता है। वूल फाइबर्स स्ट्रेचेज ईजिली एंड आर गुड इंसुलेटर्स। अब जो वूल का फाइबर है ना उसमें स्ट्रेचिंग होती है, बहुत ईजिली वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच मतलब खींचा जाता है उसको, और गुड इंसुलेटर है यानी उसमें हीट ट्रैप हो जाती है। जब भी हम सर्दियों में वूल के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती, इसलिए जो हमारी बॉडी है वो गर्म रहती है। दिस इज द रीजन वी यूज वुलन क्लोथ्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म इन विंटर। अब ये गुड इंसुलेटर है, इस वजह से हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, क्योंकि इसमें हीट ट्रैप हो जाती है। अब यहां पे देखिए वूल का जो प्रोसेस है वो भी आप देखेंगे, अभी हमने कॉटन का देखा था कैसे, वैसे ही देखिए शीप्स आर टेकन टू बी शॉन, शीप्स को ले जाया जाता है शॉन करने के लिए। अब ये देखिए शीप हैव फ्लीस शॉन ऑफ, अब उनकी जो फ्लीस है उसको उतारा जा रहा है, फिर जो ये फ्लीस है इसको बेल्स ऑफ फ्लीस आर टेकन टू द मिल। अब ये फ्लीस को कहाँ लेके जाया जा रहा है, मिल में, ये पूरी फ्लीस है, फ्लीस इज स्पन इन टू वुलन थ्रेड। अब देखो अब इसको स्पन किया जा रहा है ताकि थ्रेड बन सके, जैसे हमने कॉटन का भी पहले कॉटन की मैट बनाई थी, स्पन मतलब बेटा बुनना, ठीक है, इसको ट्विस्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए वूलन थ्रेड इज वोवन इनटू क्लोथ। अब इससे जो स्पन करके जो वुलन थ्रेड बना है ना, मतलब स्पन करके जो ट्विस्ट करके उसको वुलन थ्रेड बना है, उससे देखिए ये आपका वुलन क्लोथ बन रहा है, जिससे कि आपके और कपड़े बनते हैं वुलन के। ये था प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल। नाउ अनदर, कॉटन सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ क्लोथ इज सिल्क। वो कहां से मिलता है आपको, सिल्क वॉर्म से, सिल्क के कीड़ों से। द सिल्क वॉर्म कैटरपिलर प्रोड्यूसेस अ लिक्विड, जो सिल्क वॉर्म का जो कैटरपिलर है ना वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच हार्डन्स इनटू अ थ्रेड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर। अब ये हार्ड हो जाता है जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, जब इसको हवा लगती है तो ये हार्ड हो जाता है। जो सिल्क वॉर्म के कैटरपिलर ने एक लिक्विड प्रोड्यूस किया है, जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। द कैटरपिलर यूज द थ्रेड टू मेक कोकून्स टू प्रोटेक्ट देम व्हाइल दे चेंज इनटू मोथ। जो कैटरपिलर है ना उस थ्रेड को यूज करता है टू मेक कोकून्स बनाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम वाइल दे चेंज इंटू मोथ, जब वो मोथ में चेंज होते हैं तो अपने आप को, टू मेक कुकून्स टू प्रोटेक्ट देम वाइल दे चेंज इंटू मोथ, उस थ्रेड को वो यूज करते हैं कुकून बनाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो मोथ की शेप में चेंज होते हैं। टू मेक सिल्क, द सिल्क वॉर्म कुकून्स आर ड्रॉप्ड इंटू
बॉइलिंग वाटर। अब सिल्क बगाने बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो कोकून्स हैं उनको बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है उबलते हुए पानी में। दिस किल्स द वॉर्म्स, इस बॉइलिंग वाटर में डालने से वॉर्म्स है वो तो मर जाएंगे सारे, एंड लूजन द सिल्क, और उनके जो अराउंड जो सिल्क वूवन होती है, जो सिल्क उन्होंने बुनी होती है अपने आसपास, वो लूज हो जाती है, वॉर्म तो मर जाएंगे और सिल्क लूज हो जाएगी। विच कैन बी वाउंड अप, द थ्रेड्स कैन बी वोवन इन टू अ स्मूथ क्लोथ कॉल्ड सिल्क। फिर उस जो थ्रेड को, जो सिल्क थ्रेड है वो लूज हुआ है, उसको वाउंड अप किया जाता है फिर, और थ्रेड को वोवन किया जाता है एक स्मूथ क्लोथ, जिसको कि हम सिल्क बोलते हैं उसके अंदर। यानी ये सिल्क वॉर्म्स के कीड़ों को मार के जब उनकी सिल्क लूज हो जाती है उसको वाउंड अप किया जाता है, और ये थ्रेड को वोव करके एक स्मूथ क्लोथ बनाया जाता है जो कि सिल्क होता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। अब सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है सिल्क बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ओके, सिंथेटिक फाइबर, अभी हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से नेचुरल फाइबर थे, कॉटन थे, वूल थे और सिल्क। कॉटन हमें प्लांट से ऑप्टेन में होता है, एंड वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल फ्लीस, एंड सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क वॉर्म, प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। नाउ सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज विच इज फाउंड इन द वुड ऑफ ट्रीज। यानी रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क वो कहाँ से मिलती बनती है, सेलुलोज से, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, वुड ऑफ ट्रीज। द वुड फ्रॉम द ट्रीज इज चॉप्ड इन टू वेरी टाइनी बिट्स। ट्रीज की वुड को बहुत छोटी छोटे छोटे बिट्स के अंदर चॉप किया जाता है, इट इज देन काटा जाता है, मतलब चॉपिंग नहीं होती, घर में अपन चॉपर नहीं रखते हैं, वेजिटेबल कटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चॉपर, कटर जिसको बोलते हैं, मिक्स्ड विद वाटर एंड केमिकल्स टू डिजोल्व द सेलुलोज इन द वुड। फिर इसको वाटर और केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, किस लिए, टू डिजोल्व द सेलुलोज इन द वुड, जो सेलुलोज है वुड के अंदर उसको डिजोल्व करने के लिए। This liquid is pumped through fine holes into another chemical solution. और ये जो लिक्विड बनाया गया है उसको पंप किया जाता है through fine holes into another chemical solution. Fine holes के through इसको एक दूसरे chemical solution के अंदर पंप किया जाता है, where it solidifies into fine thread. वहां पे ये सॉलिड होके फाइन थ्रेड बन जाता है, एक अच्छा थ्रेड बन जाता है, सॉलिड हो जाता है वहां पे जाके केमिकल सॉल्यूशन के साथ मिलके। दीज थ्रेड कैन देन बी वोवन इनटू फैब्रिक। फिर पहले, सबसे पहले थ्रेड को ही तैयार किया जाता है, चाहे आप कॉटन के क्लोथ ले लो, चाहे आप वुलन ले लो, चाहे आप नायलन ले लो, चाहे आप सिल्क ले लो, तो उसमें सबसे पहले हमें उसका रॉ मटेरियल क्या, आपको थ्रेड चाहिए ना, थ्रेड से ही तो बनेगा क्लोथ, तो सबसे पहले फाइन थ्रेड बनाया जाता है, फिर उसको वोव करके क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। थ्रेड्स देन कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक, ठीक है, फिर उससे फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है आपका। अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स सच एज टेरिलीन, अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल फाइबर्स के नेम देखिए, टेरिलीन, नायलन आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। टेरिलीन इज यूज फॉर क्लोथ एंड कर्टेन्स। अब टेरिलीन किसके लिए यूज होता है, क्लोथ्स एंड कर्टेन्स के लिए। नायलन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रोप्स एंड फिशिंग लाइन्स। और नायलन किस लिए यूज होता है, पैराशूट बनाने के लिए, फिशिंग रोप्स के लिए और दूसरी रोप्स के लिए और फिशिंग लाइनिंग के लिए। देखिए ये सारे नायलन से बन रहे हैं, थिंग्स आर मेड फ्रॉम नायलन। अब यहाँ पे क्लोथ्स को डाई करने का प्रोसेस आ रहा है कि नेचुरल फाइबर आर यूजुअली इजी टू डाई। नेचुरल फाइबर को तो हम इजीली डाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, दे नीड टू बी डिप्ड इनटू द डाई कलर टू कलर देम, ठीक है। उनको नेचुरल फाइबर को क्या किया जाता है, उनको डाई कलर के अंदर डिप किया जाता है, दे आर कलर। मोस्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स आर डिफिकल्ट टू डाई, उनको डिफिकल्ट होता है डाई करना।
Artificial fibers usually have color added to them while they are being made into thread. यानी artificial fiber में color तब add किया जाता है जब उनको thread में convert किया जाता है, उसी वक्त उनके अंदर color डाला जाता है, otherwise उनको dip करके आप color नहीं कर सकते, dye नहीं कर सकते. तो जब उनको बनाया जाता है उसी वक्त उनके अंदर color add कर दिया जाता है. Taking care of clothes. अब हमने clothes बनाने का process तो सीख लिया. How do we take care of our clothes? Let's read few step. Okay, clothes must be washed well every day with a detergent. ठीक है, सबसे पहले तो clothes की washing जरूरी. Every day with a detergent to remove the dirt and stains. हर रोज detergent से washed होने चाहिए उनके stains और dust को remove करने के लिए. Second is clothes can also be dry cleaned. Dry cleaned होने चाहिए. In dry cleaning, petrol or benzene is used to remove dirt and stain. Dry cleaning में क्या use किया जाता है? Petrol और benzene. उसके अंदर ऊपर से dirt और stain को उतारने के लिए. Third is, woolen and silk cloth must be stored with mothballs and dried neem leaves. जैसे कि जो sensitive cloth है आपके, woolen है, silk है, जिनको easily worm attract कर लेते हैं. जैसे आपकी silver fish है, ये सारे उन पे easily अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैक करते हैं उन पे, उनको काट देते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ मोथ बॉल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स. दिस कीप इंसेक्ट स्पेशली सिल्वर फिश फ्रॉम अटैकिंग द क्लोथ्स. अब ये इंसेक्ट से उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सिल्वर फिश वो उन पे क्लोथ्स पे अटैक नहीं करती अगर हम ड्राइड नीम लीव्स या मोथ बॉल्स उसके अंदर डालते हैं. Now here we are going to solve few questions. Question first is, what are natural and artificial fibers? Give the example of each. What are natural and artificial fibers? Give three examples of each. अब नेचुरल फाइबर, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड वर्म्स. दीज आर कॉटन, वूल एंड सिल्क. एंड आर्टिफिशियल फाइबर विच आर मैन मेड फाइबर विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और वर्म्स, विच आर मेड बाय, आर्टिफिशियली मेड बाय ह्यूमंस. दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल फाइबर. द एग्जाम्पल ऑफ दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर नायलन, रेयन एंड टेरिकॉट, टेरिलीन. दीज आर आर्टिफिशियल fibers. Why do we need clothes? Hame kyu clothes chahiye? We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust, insects and germs. How should we take care of our clothes? We have read it now. Humne abhi padha hai. We should wash our clothes daily. Clothes should be dry cleaned. Theek hai? We can put neem leaves and mothballs to protect our clothes. Okay, these are the some steps that we use to take care of our clothes. Now this chapter is completed. Hope you understand this chapter. Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Ma'am, we're going to do.